मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। ऐसा में भोपाल के सुभाष स्कूल में ये वो बच्चे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है, वैक्सीनेशन कराया है। हाथ जरा इनके सबके देखिए, इनके सील देख सकते हैं सबके हाथों पे है और ये वैक्सीनेट हो चुके हैं। सीधे तौर पर इनसे ही जान लेते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? प्रांजल। ये बताओ मुझे कि कैसा अब लग रहा है? पहले क्या डर लग रहा था थोड़ा सा कि वैक्सीन है, सबको हो गया, मम्मी पापा को हो गया, हमको भी हो जाए? काफी वेट कर रहा है बिकॉज पेरेंट्स को और जितने भी 18 एज ग्रुप से ऊपर लोग हैं सबको वैक्सीनेशन हो रहा था। हम लोग भी काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि हमारे एज ग्रुप को कब वैक्सीनेशन हो, बट फाइनली आज हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है। 28 डेट पर सेकंड वैक्सीनेशन भी हो जाएगा, तो काफी अच्छा रिलीव है कि हम अपनी बेसिकली पुरानी लाइफ स्टाइल में वापस आ सकते हैं। हाँ, कोविड का डर यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, बट पूरी तरह से हम जानते हैं कोविड खत्म नहीं हुआ, एवोल्यूशन हो रहा है। सो हमारे जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजर, उनका यूज करना लोगों को इस वैक्सीनेशन के बाद नहीं भूलना चाहिए। कभी कभार लोग भूल जाते हैं, बट नहीं भूलना चाहिए बिकॉज यहाँ बात आपकी जिंदगी की है। कैसा लग रहा बेटा? और पहले क्या स्थिति थी? पहले डर लग रहा था और अभी डर था कि हम लोग को कोरोना ना हो जाए, बाकी सब लोग को लग गया था, तो हम लोग को भी लग गया था, जैसे हम लोग को डर नहीं रहेगा, हम लोग भी अपने स्कूल से अच्छे से आके पढ़ाई कर पाएंगे और बाहर भी जा पाएंगे। सेफ महसूस कर रहे हो? जी, बहुत सेफ महसूस कर रही हूँ मैं। और अभी हाल ही में बोर्ड एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो मैं उन सभी बच्चों से ये निवेदन करूँगी कि वो आके वैक्सीन लगवा लें, ये बिल्कुल सेफ है। पहले क्या मन में था? लग नहीं रही थी उसके पहले क्या था मन में कि सबको हो गया, पूरा फैल रहा है? और अब पहले जब वैक्सीन लगना स्टार्ट हुई थी तब से हमको मतलब उत्सुकता था कि हमको भी वैक्सीन लगे। तो पहले 60 साल फिर हम इंतजार करके, फिर 45 तक आया, फिर 18 से आया, फिर अब फाइनली हमको वैक्सीन लगी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले लग रहा था कि डर तो नहीं था क्योंकि हम पूरे प्रोटोकॉल्स का वो कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे रूल एंड रेगुलेशन, पर अब हमें अब सेफ फील हो रहा है और अब कोरोना हमको भी होता भी है तो हम उससे अच्छे से लड़ पाएंगे। सीएम साहब ने क्या क्या बातें कही आपने? सर, सीएम साहब ने कहा है कि हमें डरना नहीं, हमको डर के सामना करना है। तो सर, मतलब जो स्कूल उनने सारे बच्चों को यही संदेश दिया है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें, सेकंड डोज भी लगवाएं। जितने भी मतलब मध्य प्रदेश में जितने भी बच्चे हैं सबको यही संदेश दिया, 15 से 18 वर्ष की आयु को, मतलब जितने भी छात्र छात्राएं हैं सबको मतलब वैक्सीन दोस्तों को भी कहो कि सबको भी लगवाओ। यस सर, मैंने आज सुबह कहा ही था कि तुम लोग जरूर आ ही जाना, वो लोग आ भी गए मेरे पास। फिर मैं यही चाहता हूँ कि जितने जल्दी जो 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं वो जल्दी से वैक्सीन लगवाएं, और ओमिक्रॉन की जो वेव को जो इन खतरनाक होने वाली है उसको पहले से ही अपन उसका नल इफेक्ट कर दिया जाए। सीएम साहब ने एग्जाम को लेकर भी कहा है कि पढ़ाई अच्छी करनी है। यस सर, ऐसा जैसे कि सब फरवरी में हमारे बोर्ड शुरू होने वाले हैं, तो हम यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी सब बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे तो वो लोग उसी के हिसाब से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे और उन लोग का रिजल्ट में और पढ़ाई में भी अच्छे से मन लग पाएगा। तो ये वो बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन हो गया है और साफ तौर पर देख सकते हैं इनको एक टैबलेट भी दी गई है कि अगर बुखार आता है वैक्सीन के बाद तो ये टैबलेट खाएं। तो सीधे तौर पर जो बच्चे हैं वे बेहद खुश हैं और उनको उम्मीद है कि इसके कारण वैक्सीन अगर लग जाती है तो वो खुद ही सुरक्षा के घेरे में आ गए हैं। तो ऐसे में वो मास्क लगाने की बात भी कह रहे हैं, अपने दोस्तों को जागरूक करने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे बच्चों का जो वैक्सीनेशन है, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं लगातार, ऐसे में बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है। कैमरामैन फैजान के संग आदर्श चौरसिया, ETV भारत।